बुधवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर समाज सेवी बाबा मेंढे की ओर से 15 दिनों तक नेत्रहीनों के परिवार को पर्याप्त इतना राशन वितरित किया गया। इस अवसर पर नेत्रहीनों ने बाबा मेंढे का आभार माना। कोरोना काल में जहां हर किसी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर नेत्रहीन लोगों पर भी कोरोना की गाज गिरी है। कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन की वजह से उन्हें भूखे रहने की नौबत आ पड़ी है। इसी पृष्ठभूमि को समझते हुए और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को बाबा मेंढे की ओर से मोर भवन बस स्टॉप पर्डी में 40 नेत्रहीन लोगों को राशन किट बांटे गए। इस अवसर पर नेत्रहीन लोगों ने बाबा मेंढे का आभार माना, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता ने बाबा मेंढे द्वारा की गई इस पहल की तारीफ की। मैं अरविंद टेम्बर ने बोलतो, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड कर्ण। आम्ही सर्व लोक लॉकडाऊन मध्ये घरी असताना सुद्धा आम्ही म्हणजे बेरोजगार असताना आम्हाला बाबा मेंढेकडून हे अनाजाचं साहित्य आम्हाला मिळालं। आमचे 10 दिवस 15 दिवस जे काही जातील त्यांच्या पुण्याने आम्हाला जेवण करता येईल असं लोकांनी समोर यावं, आम्हाला पण प्रत्येक लॉकडाऊनमध्ये आम्हाला दान करावं। बाबा मेंढे ये सब कोरोना के काल में ऑक्सीजन से लेके अनाज तक मदद करते हैं। हमने भी सोचा है कि अपने को भी कुछ मदद करना चाहिए, हम भी सब लोग इनको भी मदद करते हैं और यह उनके द्वारा ये सब गरीबों को अनाज ये सब अभी कोरोना के इसमें सबको ही प्रॉब्लम है, तो ये मदद शासन अपनी मदद करती है और अपन लोगों की जिम्मेदारी है कि अपन ने भी मदद करना चाहिए। बस उसी उपक्रम का एक भाग है और आज बुद्ध पूर्णिमा है, उसका अवसर और अच्छा मिला है, इसलिए मैं बाबा मेंढे जी का अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता बाबा मेंढे ने भी इस संबंध में अधिक जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से नेत्रहीन लोगों को सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन कई बार उनकी सहायता लोगों तक नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते इंसानियत के नाते हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। इस कोरोना के महामारी में जो लोगों के बेहाल है, जो लोगों को अभी जो परिस्थिति है, लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं है, गरीब है, मजदूर है, अपंग है, अंधे है, ये सभी लोग परेशान हैं। अमीर हो या गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, सभी लोग परेशान हैं। ठीक है, शासन उनको जहाँ तक हो सकता है अपने परी से करता है, लेकिन कोई कोई सुविधा शासन की उनके पास नहीं पहुँचती है। ऐसे समय में हम आम आदमी लोगों ने उनकी मदद करना चाहिए, इंसानियत को हमने ज़िंदा रखना चाहिए। और आज का दिन जो है बुद्ध पूर्णिमा का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन दान की बहुत बड़ी मतलब ये मदद किया जाए, यह ऐसा मेरा सोचना है। और मैं लगातार पिछले साल से ये सब काम कर रहा हूँ, ऑक्सीजन, अनाज, मास्क, लोगों को मदद करना, ये मेरा 24 घंटा काम चालू है और हजारों लोगों को मदद पहुँची है और लोग भी है। वहाँ मेरे साथ में एडवोकेट लंबर्ट साहब है, इनका भी आप ये अनुभव लीजिए। आगे इस संबंध में उन्होंने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा का दिन दान पुण्य के हिसाब से बहुत महत्व रखता है और इस दिन के जरिए लोगों को मदद की जाए, ये मेरी इच्छा थी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ दिशा हटवार, BC News, नागपुर।